सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने टाटा मोटर्स का नाम ना सुना हो, क्योंकि ये भारत में कॉमर्शियल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली सबसे लार्जेस्ट कंपनी होने के साथ साथ इंडियन डिफेंस फोर्सेस को मिलिट्री व्हीकल्स प्रोवाइड कराने वाली सबसे लार्जेस्ट सप्लायर भी है। और वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस टाटा मोटर्स द्वारा बनाए गए कई सारे मिलिट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल करती है, और इसीलिए आज के एपिसोड में हम आपको टाटा मोटर्स द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए बनाए गए टॉप के ऐसे 5 मिलिट्री व्हीकल्स के बारे में बताएंगे जो काफी खास है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने इस लिस्ट में 5 अलग अलग कैटेगरी के व्हीकल्स को चुना है, जिनमें एक लाइट यूटिलिटी व्हीकल, दूसरा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, तीसरा लाइट सपोर्ट व्हीकल, चौथा कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल और पांचवा व्हील्ड आर्मर्ड एमपीबीएस व्हीकल। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट यूटिलिटी व्हीकल की, जिसमें शामिल है टाटा मोटर्स द्वारा खास तौर पर इंडियन मिलिट्री के लिए बनाई गई 4x4 टाटा सफारी स्टॉर्म, जो कि एक मिड साइज की एसयूवी है और इसे खास तौर पर मिलिट्री एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई सारे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं, जैसे कि ऑल राउंड एनआईजी लेवल 3 की प्रोटेक्शन और एंटी एक्सप्लोजन केवलर कारपेट। बाकी इस व्हीकल के एक्सल को अपग्रेड किया गया है ताकि ये अधिक मात्रा में लोड को कैरी कर सके, और इस व्हीकल के टायर इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं ताकि अगर ये पूरी तरीके से पंक्चर भी हो जाए तो भी ये व्हीकल इन पंक्चर टायर के साथ भी चल सकता है। और टाटा सफारी को खास तौर पर इंडियन मिलिट्री पर्सनल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली ट्रेडिशनल मारुति जिप्सी को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, और जल्द ही टाटा सफारी के करीब 3000 यूनिट्स मारुति जिप्सी को रिप्लेस कर देंगी। अगला व्हीकल है टाटा द्वारा बनाया गया माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल, जिसे एमपीवी कहते हैं। ये एक 4x4 14 पर्सनल्स को कैरी करने वाला व्हीकल है, और इसे सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2010 में प्रदर्शित किया गया था, और इसका इस्तेमाल मिलिट्री के साथ साथ पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और पेट्रोलिंग मिशंस में करती है। ये व्हीकल 1400 किलोग्राम तक का मैक्सिमम पेलोड कैरी करने में सक्षम है, और इसे भी एनआईजी लेवल 3 की ऑल राउंड प्रोटेक्शन दी गई है, जो कि 7.62 mm की गन्स, बॉल एम्यूनेशन और 10 मीटर की रेंज से फायर किए गए AK-47 के राउंड से प्रोटेक्शन प्रदान करती है। ये व्हीकल अपने हल के नीचे 14 किलोग्राम तक के TNT के ब्लास्ट को झेल सकता है, और जबकि किसी व्हील के नीचे हुए 21 किलोग्राम के TNT एक्सप्लोजन में भी ये व्हीकल सर्वाइव करने में सक्षम है, और यहाँ तक कि ये IEDs और एंटी पर्सनल माइंस के खिलाफ भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और ऑपरेशंस के दौरान इस्तेमाल करने के लिए इसमें 10 गन फायरिंग पोर्ट्स भी दिए गए हैं। इस लिस्ट में अगला व्हीकल है लाइट आर्मर्ड मल्टी रोल व्हीकल, जिसे LAMVV कहते हैं। ये एक तरह का लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल है, जिसे एक अटैक व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसे खास तौर पर पेट्रोलिंग, लाइट स्ट्राइक मिशंस और कन्वे को प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस व्हीकल को SGL जैसे कई सारे एडिशनल आर्मामेंट्स के साथ इक्विप किया गया है, और इसके अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके दोनों साइड में टिल्टेबल मटेरियल पोर्ट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रू मेंबर्स के साथ 4 पर्संस की सीटिंग कैपेसिटी है, और इसके ऊपर लगा हुआ टरेट 360 डिग्री के एंगल पर घूम सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट के चौथे व्हीकल की तरफ, जो कि एक कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल है। इस व्हीकल का नाम है टाटा LPTA-3138, जो कि 8x8 का एक हैवी ड्यूटी मिलिट्री ट्रक है, और जब भी फ्रंट लाइन पर इंडियन मिलिट्री को एक हैवी ड्यूटी परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ती है तब इस व्हीकल को याद किया जाता है। ये व्हीकल 18 टन तक के पेलोड को कैरी कर सकता है, और इसमें ड्राइवर के साथ 5 लोगों के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है, और ऑब्जर्वेशन, फायरिंग और इमरजेंसी एग्जिट के लिए इसमें 2 रूफ हैच दिए गए हैं, और ये व्हीकल करीब 1.4 मीटर गहरे पानी के ऑब्स्टेकल को भी पार कर सकता है, और इसे खास तौर पर इंडियन आर्मी द्वारा वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाने वाले टाटा ट्रक को रिप्लेस करने के लिए ही विकसित किया गया है। और इस व्हीकल के 8x8 ही नहीं बल्कि 4x4 से लेकर 12x12 ड्राइविंग सिस्टम वाले वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, और इसके 8x8 वाले वेरिएंट को स्पाइडर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हमारे इस लिस्ट के पांचवे और आखिरी व्हीकल की तरफ, जो कि एक व्हील्ड आर्मर्ड एमपीबीएस व्हीकल है, और इसका नाम है टाटा कैस्ट्रल। ये टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया एक मॉडर्न आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है, जिसे 30 mm की ऑटोमेटिक कैनन और 7.62 mm की कोएक्सियल मशीन गन से इक्विप किया गया है। और चूंकि ये एक एमपीबीएस व्हीकल है
तो इसीलिए इसे पानी और जमीन दोनों ही सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस व्हीकल में क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 12 पैसेंजर्स के बैठने की सीटिंग कैपेसिटी है और इसे खास तौर पर इंडियन आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने समय के सोवियत एरा के BMPs और APCs को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया गया है। बाकी अगर आप टाटा कैस्ट्रल पर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हम इसकी एक डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल डिफेंस इनसाइट में बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।